ఉజ్వల లబ్ధిదారులకు 600 రూపాయలకే సిలిండర్లు అందిస్తున్నామన్నారు ప్రధాని మోదీ. సిలిండర్లకు బదులు గ్యాస్ పైప్లైన్ల ద్వారా తక్కువ ధరకే గ్యాస్ అందించేలా బీజేపీ సర్కార్ కృషి చేస్తోందన్నారు. టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో 11 కోట్ల మంది నకిలీ పేర్లను తొలగించామన్నారు. మధ్యప్రదేశ్లో రాణి రుద్రావతి స్మారక్కు శంకుస్థాపన చేసిన మోదీ జబల్పూర్లో 12,600 కోట్ల రూపాయల ప్రాజెక్టులను ఆవిష్కరించారు. भारत के युवा का समय है. ये कालखंड भारत के युवा का कालखंड है. युवाओं को जब ऐसे अवसर मिलते हैं तब विकसित भारत के निर्माण का जज्बा भी बुलंद होता है. तभी भारत G20 जैसे भव्य विश्व आयोजन इतने गौरव के साथ करा पाता है. तभी भारत का चंद्रयान वहां पहुंचता है जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया. तभी लोकल के लिए वोकल होने का मंत्र दूर सुदूर तक गूंजने लगता है. आप सोच सकते हैं, एक तरफ ये देश चंद्रयान पहुंचता है तो दूसरी तरफ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर दिल्ली के एक स्टोर पर, आप याद कीजिए, 2 अक्टूबर को एक दिन में दिल्ली का जो एक खादी भंडार था 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खादी बिकी एक स्टोर में. ये ताकत है देश की. दशकों तक जिस दल देश में सरकार में बैठा रहा उसने सिर्फ एक ही काम किया, एक ही परिवार की चरण वंदना, एक परिवार की चरण वंदना करने के सिवाय उनको देश की परवाह नहीं थी. नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को उनका हक देने का काम भी भाजपा ने किया. साथियों, गांव के सामाजिक आर्थिक जीवन में हमारे विश्वकर्मा साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहता. इनको सशक्त करना प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना भाजपा सरकार बनने के बाद हमें उसको लाना पड़ा.